वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर आज यूनिसेफ और प्रदेश सरकार की संयुक्त पहल पर स्कूली बच्चों को पुलिसिंग सिखाई गई और मुरादाबाद सदर कोतवाली को एक दिन की नई कोतवाल भी मिल गई। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बना विश्व स्तरीय संगठन यूनिसेफ आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम करते हुए बच्चों के मनोबल को भी बढ़ाता रहता है। इसी कड़ी में आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे को महत्वपूर्ण बनाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रयास किया गया, जिसके तहत प्रदेश भर में स्कूलों के बच्चों को पुलिसिंग सिखाई जा रही है। मुरादाबाद में भी इसके लिए सदर कोतवाली को चिन्हित करते हुए आज एक स्थानीय स्कूल की छात्राओं को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम की बागडोर SPCT अमित आनंद संभालते हुए थे। वहीं CO कोतवाली इंदु सिद्धार्थ छात्राओं को पुलिसिंग की बारीकियों से अवगत करा रही थी। हाथ में माइक संभालते हुए CO कोतवाली ने पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्य को बारी बारी से छात्राओं को समझाया। उसके बाद सबको पुलिस के ऑफिस में घूमते हुए वहाँ होने वाले कार्य से भी अवगत कराया। वहीं एक दिन के सदर कोतवाली बनी लावण्या ने आज का अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठेगी और उसने यहाँ आकर पुलिस द्वारा किए जाने वाले काम की बारीकियाँ सीखने का अवसर मिला है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम लावण्या है, मैं सिंह मीरा अकेडमी में पढ़ती हूँ। आज 20 नवंबर है, आज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है। तो यूनिसेफ ने ये कहा है कि बच्चों को हम पुलिस इंस्टीट्यूशंस दिखाने हैं। तो हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूशन देखे हैं और मैं यहाँ पर SHO बनी हूँ। एज अ इंडिकेट किया गया है मुझे, तो मैंने SHO सर से बहुत सारा काम सीखा है, जैसे कि किस तरीके से सेट पर हम और सारे एरिया से कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने गार्ड भी देखा कि गार्ड किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से सलामी दी जाती है। और हमने आर्मरी भी देखा, आर्मरी में हमने बहुत सारी वो भी देखे, बहुत सारे शस्त्र भी देखे। वहाँ पर हमने एक टियर गैस गन भी देखी, जिसमें हम टियर गैस भरते हैं जब वो जैसे जब बहुत ही ज़्यादा मैसिव क्रिएट हो जाता है तो हम कहीं पर बुलेट्स नहीं चला सकते, तो हम वो वाली गैस यूज़ करते हैं जिससे कि टियर्स आते हैं हमें। और सेट पे आपकी किस किस से बात हुई? सेट पे आपने सर से बात? हाँ, CO मैम से बात करी मैंने, और मैंने SPCT से भी बात करी। उन्होंने मुझे सारे काम भी सिखाए और बताया कि किस तरीके से पुलिस इंस्टीट्यूशन काम करती है हमें मुरादाबाद में। तो आपकी थिंकिंग क्या है, कैसे आप क्या सोचती हैं बारे में? आप क्या सोचती हैं पुलिस के बारे में? इसके बारे में मतलब क्या सोचती हैं? आपकी थिंकिंग क्या है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, पॉजिटिव है, एक्चुअली पॉजिटिव है। वो हमारे लिए इतना सारा काम करते हैं, हमें इतनी सारी फैसिलिटीज देते हैं। आपने कंट्रोल रूम में देखा होगा, वो हर तरीके से हम पर नज़र रखते हैं। तो पुलिस एक बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारी इंडिया में, हमारी मुरादाबाद में, हर जगह। वो आपको कैसे लगा? आज जैसे यूनिसेफ ने पुलिस से मिलकर ही आपको सारी हम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आज 20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के अवसर पर यहाँ स्कूली बच्चों को थाना कोतवाली में बुलाया गया है और ये विजिट कर रहे हैं। पुलिस प्रणाली के जो विभिन्न अंग हैं उनके बारे में इनको जानकारी दी जा रही है, साथ ही बाल सुरक्षा के संबंध में अवेयरनेस प्रोग्राम भी है ये। और आज एक दिन थानेदार एक्टिविटी के अंतर्गत ये थाना कोतवाली को बच्चों द्वारा संचालित भी किया जाएगा। आज करीब 50-60 बच्चे थाने कोतवाली में हैं, इनको विभिन्न पुलिस की जो शाखाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, साथ ही जो अलग अलग पार्ट्स हैं पुलिस स्टेशन के, आर्मरी है, ऑफिस है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे जो बने, क्या किस तरह का रोल किया बच्चों ने द्वारा बताया गया? इन्हीं बच्चों के बीच में से कुछ लोग SHO के रोल में है, ऑफिस के रोल में है, यहाँ पे जो महिला हेल्प डेस्क है उसे भी संचालित कर रहे हैं। और बहुत ही इनके बीच में जागरूकता भी बढ़ी है और उनको अच्छा बहुत ही सहायक किया है। और सुरक्षा के दृष्टिगत जो चीज़ें हैं इनको जानकारी दी गई है, UP 112 1090 181, अन्य हेल्पलाइन जो है इनके बारे में इनको बताया गया है। और बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग किया है। कितने घंटे की जिम्मेदारी दी गई थी सर? इसमें विभिन्न प्रोग्राम 11:30 बजे से लगभग शुरू है और अभी चल रहा है, जिसमें जब तक बच्चे हैं इनके द्वारा खाने का भी संचालन किया जाएगा, साथ ही मार्केट एरिया में गश्त भी की जाएगी।